हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग वेली राइट बेटर। सो गाइज आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो टाटा की नेक्सॉन है नई मॉडल, इसकी ओनरशिप वीडियो लेने वाले हैं। सो जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ है नई वाली जो टाटा नेक्सॉन है, इसके बारे में अच्छी है बुरी है, आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, कितना क्या कुछ रहने वाला है वो आज की वीडियो में जानेंगे। सो अगर आपको चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन से प्रेस करके नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं ऐसी वीडियोस लाऊं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन इजीली मिलता है। ओके सो क्या कुछ खास देखते हैं चलो। सो गाइज ये जिनकी कार है उनको पहले बुलाते हैं। ओके शिवान जी प्लीज वेलकम। सो कैसे हैं आप? ठीक है कैसे एक बार हाई कर दीजिए व्यूअर्स को। कैसा लग रहा है, कुछ नर्वस फील कर रहे हैं क्या? ना कोई नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो शिवान जी आप हमें ये बताइए, ये जो आप कार खरीदे हैं टाटा नेक्सॉन, ये कितने दिन पहले खरीदे हैं आप? 3 महीना पहले खरीदे थे। 3 महीना पहले खरीदे थे। तो क्या प्लान था, मतलब इस प्राइस में तो और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भी आ रही है। मेन मेरा प्रायोरिटी जो था, मेरा प्रायोरिटी था कि सेफ्टी होना चाहिए, सेफ्टी होना। एंड कैप रेटिंग 5 था और मुझे फैमिली चाहिए था, फैमिली कार टाइप चाहिए था क्योंकि मदर फादर के एज हो रहा है तो उसके बेसिस मुझे चाहिए। इससे मेरा ज़्यादा लग्जरी से ज़्यादा मेरा था कि ऐसा हो कि लग्जरी नहीं हो बट सेफ्टी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसा कुछ तो नहीं था ना कि इंडियन ब्रांड है या फिर ज़्यादा विश्वास इंडियन ब्रांड है, बट नहीं बात है कि टाटा का सेफ्टी के रेटिंग में सबसे बेस्ट आता है। और मेरा मेन चीज़ था कि कहीं भी बाहर जाते हैं तो कम से कम इतना रहे कि आज रोड एक्सीडेंट इतना ज़्यादा हो गया कि सेफ्टी रहना चाहिए। तो क्या लगा 3 महीने में आप गलती किए या फिर सही किए? लेकिन ठीक किए हैं, बस ठीक किए। हाँ ठीक था, रीज़न अच्छा था। ओके कितना अप्रोक्स कोई प्राइस अगर आपको याद होता है? इसका अप्रोक्स 1570। ये टॉप मॉडल है, ये फियरलेस मॉडल है। सो गाइस ये टॉप मॉडल है, एक बार मैं चाहूँगा आपको थोड़ा सा वॉक अराउंड दे दें, ये चारों तरफ से दिखा देंगे आपको कैसी कार है। बैकग्राउंड आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया होगा मोटा मोटी, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। ये तो हो गई इनकी जो कार थी टॉप मॉडल है, इन्होंने कितना दिन पहले लिया वो भी बताया और क्या मतलब चॉइस था इनका वो बताया इन्होंने। सो अच्छा ये बता दीजिए अब रिवान जी की, इसको जब आप खरीदे हैं लगभग 3 महीने चलाएँ तो अच्छे सड़कों पर भी चलाए होंगे और थोड़े बहुत ख़राब सड़कों पर भी चलाएँ, तो कैसा ओवरऑल इसका इंजन का पहले एक्सपीरियंस बता दीजिए, पावर टॉर्क के बारे में बता दीजिए कुछ, मतलब आपको मोटा मोटी जो भी लगता है। देखिए इतना मेरे कार्ड इन तो सेल्स में तो नहीं हो कि मुझे एकदम पर्टिकुलरली वैल्यू पता हो, बट अच्छा टॉर्क है, मतलब एक्सलरेशन अच्छा रहता है। इसमें 3 मोड्स है, ठीक है। मेन एक जैसे मैं तो ज़्यादातर सिटी में चलता हूँ तो सिटी मोड है, सिटी मोड पे चला हाँ, ज़्यादा सिटी मोड में चलता है। अगर बहुत ज़्यादा लगता है कि और मुझे प्राइस मतलब बचानी है फ्यूल की एफिशिएंसी के लिए तो इको मोड है और स्पोर्ट मोड है। स्पोर्ट्स मोड की टॉर्क काफ़ी अच्छी है, अगर आप कभी हाईवे में चल रहे हैं तो मैंने एक्सपीरियंस किया तो आप स्पोर्ट्स मोड में कीजिए एक बार में और सेटल लीजिए, बहुत अच्छा टॉर्क पकड़ता है। तो कभी कभी आप जैसे पहली आपकी कार है आप इसको चला रहे हैं, इससे पहले कोई आप कार चला सकते? इसके पहले मैं मारुति चला रहा, मारुति चला रहा, मारुति 800 से मेरे जम के डर है। आपको तो मतलब मैनुअल पे मतलब ज़्यादा मैनुअल पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो उसका आप ऑटोमेटिक पे एकदम से शिफ्ट हो गए तो उसका क्या कुछ फील रहा है? काफ़ी अच्छा फील रहा है। मैनुअल में तो क्या होता है कि आपका जाम लगा फिर गियर चेंज करो उसके बीच में हो सकता है कि इंजन ऑफ हो गया, जैसे कि आप हमारे शहर में जान ही रहे कितना ट्रैफिक जाम होता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जैसे ये DCA मॉडल है जिसमें डबल क्लच सिस्टम कुछ हाँ, है तो वो भी ऑटोमेटिक रहता है, तो इसमें कुछ टेंशन नहीं है कि आपका कभी जाम है तो आपका आपको कुछ गियर चेंज करना है, कन्वीनियंट रहता है। थोड़ा सा पहले बार अनकंफर्टेबल लगा होगा एकदम से क्योंकि ध्यान तो गियर पे जा रहा होगा, हाँ स्टार्टिंग ही लगता है, आप एक हफ्ते में यूज हो जाएंगे। ओके बहुत ईजी है ड्राइव करना इसका। तो ज़्यादातर आप सिटी मोड में चलाते हैं, माइलेज लगभग कितना निकाल लेते हैं? कि माइलेज के मामले में बोलूँगा तो बहुत अच्छा है ना, आप जैसे कि इसका लगभग 10 किलोमीटर एवरेज, मतलब सिटी में 10 किलोमीटर पर लीटर और अगर बाहर जाइएगा तो मुश्किल से 15-16। अच्छी माइलेज ये वाली जो वेरियंटी पेट्रोल है डीजल है? ये पेट्रोल है, पेट्रोल है। सो इसको आप देख लीजिए पेट्रोल वाली है, डीजल वाली वेरियंट भी है अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगे वो आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा जैसे इसका जो सस्पेंशन सेटअप है जैसे खराब सड़कों पर उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा कंफर्टेबल कार है, कंफर्टेबल ऐसा हाँ, सस्पेंशन अच्छा है, मैंने ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई दिक्कत नहीं? ग्राउंड क्लियरेंस पे भी एक बहुत मेजर मेरा वो था कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं मारुति 800 से यहाँ जब मारुति 800 का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत दिक्कत होता होगा, हाँ उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है और वही सेडान के मैक्सिमम मॉडल्स का भी वही रहता है। जैसे इस प्राइस में मुझे हुंडई वर्ना भी मिलता था बट मेरा था कि ग्राउंड क्लियरेंस का इतना कम है कि कहीं भी ऑफ ट्रैक जाए या कहीं भी जब दिक्कत हो जाती है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे अच्छा। बूट एक्सेस, बूट तो काफ़ी अच्छा है, कम से कम नहीं भी तो 4 बैग अट जाता है, बड़ा बड़ा बैग अट जाता है। कभी फुल फैमिली के साथ ट्रैवल किए हैं? हाँ किए बहुत बार, जैसे पीछे कितने ऐसे तो 3 लोग ही बैठते हैं, ऐसे 3 लोग हाँ, मतलब 3 पीछे आगे एक और एक ड्राइवर, टोटल 5 लोग।
कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। तो अभी तक इसकी कोई सर्विस नहीं है क्या? सर्विसिंग फर्स्ट सर्विसिंग अभी ड्यू है मेरा, अभी 10 दिन में मुझे चलवानी है। आपका अभी सर्विस कोई सर्विस एक्सपीरियंस नहीं रहा? सो इसमें तो 360 कैमरा नहीं है, उसका आपका व्यू कैसा है? मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है, बैक और फ्रंट बैक है, फ्रंट है, इसमें और सेंसर्स भी लगे हुए हैं। उसके बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हैं? काफ़ी अच्छा है या फिर काफ़ी अच्छा है? जगह किसी को हैबिट, जैसे मुझे हैबिट हो गई है अभी, अब कैमरा देखता हूँ और बैक कर लेता हूँ या फिर कहाँ पार्किंग में, टफ स्पॉट जो होता है वहाँ पार्किंग करने काफ़ी ईजी करते हैं। इसमें क्या सबसे अच्छा है कि 3D व्यू आ जाता है। एक बार मैं आपको कार दिखा देगा, इट विल लाइक कि आप ऊपर से दिखा रहे हैं कि कार कहाँ पे एग्जैक्टली, और आप ये भी दिखाते हैं कितना हैंडल घुमा रहे हो, कितना स्लाइड हो रहा है, होगी उसके हिसाब से आप कर लीजिए एडजस्ट। अच्छा, कई दफ़ा मैंने देखा है इसकी जो पुरानी वाली जो कार है ना, उसमें क्या है कि एक फिलर है इसका जो बहुत ज़्यादा ठीक होता है, तो जैसे कुछ ब्लाइंड स्पॉट लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड वो दिखता नहीं जल्दी, इसमें ऐसा कुछ आपको नहीं है? अच्छा, ये साइड वाली साइड वाली देखिए, मेरे जैसे इसी जैसे मैं सुनता था कि ऐसा होता है, बट इतना मेरा एक्सपीरियंस था, मैं हैबिचुएट हो गया, मैं दोनों तरफ से देख लेता हूँ कि ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है। अब फिर ड्राइविंग आप हैबिचुएट हो जाते हैं, ऐसा नहीं रहता है कि देख हर कार में कुछ ना कुछ अप डाउन कुछ ना कुछ होता है, वही मतलब इसलिए फीडबैक इसलिए ले रहे हैं ताकि कस्टमर जो भी बताएंगे ताकि टाटा जो है उसको आगे उसका ध्यान रहता है कि एक साइड में ब्लैंक स्पॉट बनता है, बनता है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा वो करके रखना है, आपको थोड़ा एडजस्ट रहना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है ये सब चीज़। तो मैं जैसे इसमें सजेस्ट एक बार करना चाहता मतलब वीडियो के थ्रू टाटा, जैसे कि यहाँ पे जो फिलर्स है ना, जैसे डिस्प्ले यहाँ देते हैं ना बीच में, वो डिस्प्ले एक साइड में भी दे दें, अगर थोड़ा सा जो ब्लाइंड स्पॉट वहाँ का जो कैमरा है वहाँ भी दिखना चाहिए, तो एकदम एकदम अच्छा क्लियर दिखता है। सो ऐसा मैंने सोचा था, ऐसा मतलब वहाँ पे सिर्फ पिलर के पास दे दे डिस्प्ले, मोटाई छोड़ दे सिर्फ वहाँ पे डिस्प्ले लगा दे दोनों साइड, तो थोड़ा बिना रहे और क्लियर हो जाए, क्लियर दिखता है, ताकि वो लगे कि एकदम सामने दिख रहा है। इस साइड का बस एक जो ब्लाइंड स्पॉट आता है ये तो आप देखने के बाद, हालांकि अब तो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अभी टाइम आप एडजस्ट कर जाते कार के साथ, एरोप्लेन भी जा रहा है उसका भी रिव्यू लेना पड़ेगा। ओके, सो ये सारी हैं। अच्छा, अब मेन जो बात करते हैं, ड्राइविंग आप करते हैं तो नाइट में, डे में या फिर हर सिचुएशन में आपको ड्राइविंग करना होता है, तो लाइट का क्या कुछ कंडीशन? हालांकि लाइट तो अपडेट हुआ, अभी प्रोजेक्टर लाइट आ गया, वो भी आपको आई थिंक LED नहीं है, LED प्रोजेक्टर लाइट है, LED है। और सबसे अच्छा क्या है ना, टाटा जैसे नया मॉडल है इसमें कि ऑटोमेटिक लाइट मोड है, लाइट जैसे मैं क्या करता हूँ, जाते हैं ऑटोमेटिक ऑन करता हूँ, वो अपने ऑटोमेटिक छुट्टी, वो देख लेता है कि दिन है तो भाई डिम करके रखेगा लाइट को, नाइट होगा तो अपने आप से अपना एडजस्ट करता रहता है। तो अच्छा, मैंने ये देखा है जो पुराने वाले जो मॉडल है Nexon, तो उसमें क्या है कि लो बीम मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगी, हालांकि हाई बीम ठीक है, फिर भी लो बीम उतना ज़्यादा नहीं लगा कि हाँ रोड मतलब क्लियर दिखाती है हैलोजन वाले। तो इसमें ऐसा क्या कुछ है इसका लो बीम हाई बीम आप रात में चलाएं तो कैसा लगा? काफ़ी बेटर है, मतलब जैसा देखिएगा तो मैं तो 800 जम के हो, हमारे पास आपके हिसाब से बहुत काफ़ी बेटर है, LED लाइट्स है, क्लियर विजन दिखता ही है और सब एडजस्टेबल है, कितना आपको ऊपर रखना है कितना नीचे रखना है सब एडजस्ट हो जाता है। म्यूजिक सिस्टम के बारे में कुछ इंटीरियर के बारे में स्पीकर से काफ़ी बेटर है, 3D साउंड क्वालिटी सब सब चीज़ आपको, स्टेडियम रिस्पॉन्स कैसा है, हार्ड है सॉफ्ट है, पावर स्टेयरिंग है तो सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आपको कभी इसे घुमाने वाने में इसका जो टर्निंग रेडियस है उसमें कोई शिकायत? नहीं, इसका ये लेने का भी यही रीज़न था कि ये बहुत ज़्यादा लंबा, जितना जैसे बैलनों का भी यही साइज़ है, आपका जो भी आता है जैसे मारुति सुपर जो भी आता है जो कार आता है मतलब यही साइज़ होता है, MUV जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं होता। चलिए ये सारी बातें हो गई, अब हम चाहते हैं इसमें जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो लगी हैं, जो आपको लगा कि टाटा में आके आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, हालांकि सर्विस के बारे में तो अभी आप नहीं बता पाएंगे, सर्विस रिव्यू है, लेकिन आपको जो अच्छी चीज़ अभी तक चला के लगी नहीं इस कार में मुझे ये चीज़ बहुत मज़ा आता है, मतलब चला के ऐसे खरीद के मैंने बहुत अच्छा किया, वो चीज़ कुछ बताइए। फर्स्ट चीज़ होता है कि यहाँ ड्राइविंग स्किल, ओके, आपका कैसे होता है, एक तो प्रीमियम अंदर का पूरा प्रीमियम क्वालिटी रहती है, सॉफ्ट तो नहीं मिलता, क्वालिटी देखने में ऐसा कि प्रीमियम है आपका, है ना, स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं, हैंडल्स काफ़ी स्मूथ है, स्टीयरिंग जो स्टीयरिंग जो आपका एक्सपीरियंस जो बनाता है आपका, अगर चुनजे आप चलाते हैं स्पोर्ट्स में चलाते रहते हैं तो टॉर्क अच्छा मिलता है तो एक्सलरेट करने में आपको ईजी पड़ता है, चीज़ें वो सब स्क्रीन हमें फेयरलेस दिया था क्योंकि स्क्रीन से 11.5 इंच की जो काफ़ी बेटर स्क्रीन चाहिए, टच रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छा है, आपका आराम से मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, मैं आराम से बात कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ईजी है, UI काफ़ी अच्छा कर दिया, एक तो ये काफ़ी अच्छा है, जैसे मुझे वो रहता है सेंस ऑफ सेफ्टी रहता है अंदर में कि रात में चले से कि डॉक्टर हम लोग हैं तो हमारी लाइफ ऐसी रहती है कभी रात में जाना पड़ता है तो ट्रक्स चलते हैं रोड में सब चलते हैं तो एक सेफ्टी रहता है, एक लगता है अंदर में कि हाँ सेंस ऑफ सेफ्टी है। और बहुत बार हुआ है कि साइड से कोई पिलर से लगे ये लगे बट थैंक गॉड रात से स्क्रैच नहीं आया, क्वालिटी जो है हम बोल सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छा, डाटा जो बोलती है वो चीज़ तो है, ये चीज़ मैंने भी Nexon बहुत दिन से चला मतलब बहुत मतलब 3-4 साल से चला रहा हूँ
और इस चीज़ मतलब इसमें बैठता हूँ तो मुझे भी, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि रिलैक्स में, जैसे कि मैं अपनी बताऊँ तो ड्राइवर सीट मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में जैसा इन्होंने ही बताया, वो भी उनकी अच्छी बात है, वो चीज़ में सोचना नहीं पड़ता है कि कुछ है। और मैंने टाटा की जितनी भी कार हैं उसमें मैं अपने कुछ बताऊँ, जैसे पता नहीं वो कैसे डिजाइन कर रहे हैं, कैसे क्या है, अंदर में चाहे कितनी भी छोटी हो, पंच में मैं बैठा हूँ, अगली वीडियो पंच पे आएगी अगर मिल जाए तो उसमें स्पेस अंदर से पता नहीं कैसे डिजाइन की, स्पेस अंदर से बहुत स्पेसियस लगता है, ये आई थिंक आपने नोटिस किया है। और मुझे सीट्स जो है ना वो काफ़ी ऊंचे लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत नीचे बैठ रहे हो। जैसे मैंने वेन्यू में भी बैठा था तो थोड़ा सा हल्का नीचे हल्का नीचे लगता है, एडजस्ट भी कर सकते हैं सीट्स को, एडजस्ट कर लीजिए, प्लस एक वेंटिलेटेड सीट्स। लेकिन इसका थोड़ा लगता है कि हम एक कोई एसयूवी रन कर रहे हैं, भले ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है लेकिन होता है प्रॉपर एसयूवी है। और जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत गर्मी रहता है, तो वेंटिलेटेड सीट्स भी अवेलेबल है। तो ये सब छोटा सा चीज़ है जो कि बहुत मैटर करता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ जो टाटा लगता था जो चीज़ देना चाहिए था वो प्रॉपर उन्होंने दिया। कोई फीडबैक आपको लगता है, आप भी चलाते हैं टाटा नेक्सॉन जानते हैं, तो आप भी फीडबैक दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ शिकायत लगता है, कुछ कमी लगता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अच्छा ये सारी चीज़ें तो हो गई, इंजन की बात कर लिया, इसमें नॉइज़ का बहुत लोग कहते हैं कि इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो नॉइज़ रहती है, साउंड बहुत ज़्यादा करता है, ऐसा कुछ आपको फील हुआ है? आज तक नहीं लगा, आज तक नहीं लगा, ठीक है नॉर्मल वॉइस। हाँ लोग कंपेयर करते हैं, जैसे कोई वेन्यू से कंपेयर कर दिया उसमें तो बिल्कुल स्मूथ है, इसमें क्या है, तो ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए पैसा तो नहीं कि बहुत नॉइज़ है, ठीक है नॉर्मल रहता है, कोई थोड़ा सा नीचे होगा थोड़ा कोई ऊपर रहेगा, बट जो फीचर्स देता है ये जो चीज़ में क्वालिटी ये सब कोई मेजर इशूज नहीं रहता है। ओके अच्छी बात है, सो ये तो हो गई इसकी अच्छी अच्छी बात है, इसकी कुछ कमियाँ आपको कुछ ना कुछ कमियाँ लगी होंगी? कुछ कमियाँ जैसे देखिए कमियाँ है कि कमियाँ नहीं, ऐसा नहीं बोले कि नहीं है, जैसे कमियाँ क्या है कि कभी कभी इसकी स्क्रीन ब्लैकआउट हुई है, ब्लैकआउट दो बार ब्लैकआउट हुई है, तो हैंग हो जाता है, हैंग टाइप हुआ है, ठीक है एक दो बार बैटरी अचानक हो गया था कि बता रहा कि डिस्चार्ज हो गया, अपने आप ठीक हो गया, फिर मुझे वो करना पड़ा, सेट करना पड़ा, तो हुआ एक दो बार, जबकि 3 महीना हुआ तो होना ही चाहिए। ये सब प्रॉब्लम आपके साथ भी अगर हुआ हो आप मुझे देखो तो बताइए, नहीं पता ये क्यूरियस से हुआ है, उन्होंने कहा कि आप गाड़ी मत में गाना मत चलाइए बंद करके, तो मैं भी सर गाना चलाता हूँ, उसको बोलता है कि डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद से दिक्कत नहीं आया, एक बार बस दिक्कत आया, तो ये सब एक इशूज़ है। और मुझे बाकी तो नहीं पता, बट मैं सुनता हूँ कि सर्विसेज में भी इन लोगों का थोड़ा इशूज़ रहता है कि कुछ भी डैमेज कराना। सर्विसेज में मैंने भी एक दो बार कराया तो सर्विस थोड़ा सा उसका बहुत थोड़ा सा है, बहुत इजी टू गो नहीं है, अच्छा हो गया है, पहले से बहुत बेटर है, ऐसा नहीं किया है लेकिन थोड़ा बहुत है अभी जो कि सुधारा जा सकता है। अब वो कितने दिन में इसको सही कर लेंगे वो पता नहीं। अच्छा मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि इसका जो आप जो स्क्रीन का जो बात की है वो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि थोड़ा स्मूथ बिल्कुल वो नहीं है, बहुत स्मूथ ही बोलिएगा, मतलब थोड़ा टाइम देता है, क्या है ना कि बहुत एक तरह समझिए हमको लगता है कि काफ़ी एडवांस टाइप से बना दिया, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहिए, हर चीज़ डालना चाहिए, इसके कारण क्या जब आप बहुत चीज़ डालते हो तो उस टाइप का प्रोसेसर भी चाहिए उसको सब चलाने के लिए, इससे पहले बेसिक होता था, एक वो साउंड सिस्टम एक रेडियो एक ही है, अब क्या एंड्रॉयड ऑटो आता है, बहुत सारे फीचर्स हैं इन्होंने इंक्लूड किए, जब यू आई चेंज करते हो तो आपको उस टाइप का प्रोसेसर चाहिए होता है जो कि स्मूथ रहता है, स्मूथ ज़्यादातर 95% चांस स्मूथ ही रहता है, बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे दो बार बस हुआ है जो हैंग हुआ है, तो वो अपने आप होता है कि ऑफ करके रख दीजिए, ऑन कीजिएगा ठीक हो जाएगा, वैसा टाटा का रहता है। ओके सो शिवान जी हम लोग तो बहुत सारी बातें कर ली, जो भी दिल में आया वो पूछे, मुझे जितना लगा हमने पूछा, कोई छूट गया वो सवाल तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मुझे याद है, इसकी एसी कैसी है, मतलब चेंज बहुत जल्दी कर देती है, ठंडी हो जाती है? हाँ इसमें एक मोड है, सो कहते हैं एक्सप्रेस कूलिंग मोड, ठीक है उसमें अपने आप विंडो रोल डाउन हो जाता है एंड वो अपने आप ठंडा करते एकदम 16 पे हाई पे ऑन हो जाता है, एंड उसके से 3 to 4 मिनट लगता है, कितनी भी गर्म क्यों ना अंदर गाड़ी वो ठंड कर देता है, ठीक है वो अपने आप फिर ऑटोमेटिक मोड में स्विच भी कर लेगा, आपको कुछ दिमाग नहीं लगता, कुछ दिमाग नहीं लगता, हाँ वो अपने आपको रिलैक्स रहना है, 5 से 7 मिनट सब चीज़ हो जाएगा। तो गाइस यही थी, अच्छा आप मतलब आप वीडियो को एंड करते हैं काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि टाटा की तरफ जाना चाहिए, उनको लेना चाहिए, टाटा नेक्सॉन ले सकते हैं इजीली, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, एक अगर सबने बताना हो तो क्या बोलते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो थिंग इज़ कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, किसी की कुछ प्रायोरिटी किसी होती है कि मुझे फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, उनके लिए मारुति या वो सब अच्छी रहती है, मेरी थी सेफ्टी चाहिए, मुझे लग्जरियस और होनी भी चाहिए, प्रीमियम चाहिए, आज के डेट में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेफ्टी पहले होना ही चाहिए, और मुझे लगता है ले दे कि ये जो भी चीज़ें मतलब एकदम हर चीज़ डिसेंट दे, ये नहीं कि इसमें कुछ कम है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं दे रही, बहुत कम भी नहीं दे रहा, आपका बीच का जो चीज़ है ना जो आपको चाहिए कम प्राइस में, आई थिंक वो बहुत अच्छा देते टाटा, टाटा समय के साथ चल रही है, विश्वास कर सकते हैं आप समय के साथ वो अपग्रेड करिए, अपग्रेड कर वो सब चीज़ पे ध्यान दे रही है, तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी थी सेफ्टी, तो मेरी फर्स्ट ये थी, और प्रीमियम लुक्स भी है और प्राइस भी सब कुछ, प्राइस भी ठीक है, सभी नहीं बहुत ज़्यादा है, माइलेज भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये है, ठीक है वो मैनेजर में मुझके मुझे लगता है जैसे आप ऑटोमेटिक में थोड़ा सा कम जाते हैं माइलेज में, नॉर्मल में आप 15 निकाल सकते हैं, 12-15 से कम नहीं देता है, 12-15 आराम से निकाल सकते हैं, और थोड़ी बड़ी इंजन है
नहीं, प्लेस काफी अच्छी रही है, खासकर ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छी थी, काफी अच्छी है। सो गाइज यही था आज के वीडियो में, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो वान जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपने टाइम दिया। और ओके थोड़ा सा आप हमारे सब्सक्राइबर को बता दीजिए कि सब्सक्राइब कर ले चैनल को, थोड़ा सा लाइक कर दें ताकि वीडियो को मतलब ऐसे बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके एक बार बोल दीजिए भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दे इसका वीडियो, इनका वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप ताकि और मतलब आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक।